सो कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ, ये तो आपको टाइटल देख के पता चल ही गया होगा, बट आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। यस, आज की वीडियो में मैं कोई वॉयस ओवर नहीं कर रही हूँ, आई मीन नहीं करूंगी, और काफी टाइम बाद थोड़ा आपसे बातें करते करते मैं मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ। तो बेसिकली करवा चौथ आने वाला है, अब बस सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं, तो ये लुक क्रिएट करने के लिए मैं थोड़ी सी लेट हूँ, थोड़ी सी अभी बीत नहीं गया करवा चौथ, डोंट वरी। तो मे बी मैं ये वीडियो आपको कल पोस्ट कर दूँ या फिर आज ही कर दूँ, बट आई एम श्योर कि मैं करवा चौथ से पहले ही कर दूंगी। एंड जो कोई भी जो भी मैरिड या फिर अनमैरिड जो भी करवा चौथ का व्रत रखने वाले हैं, उनको मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। और चलो ज्यादा बकबक नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, मेकअप स्टार्ट करते हैं, जो मेकअप लुक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और देखो अभी मैंने चूड़ियां डाल ली अपने ड्रेस से मैचिंग का, और थोड़ी सी यार वाइब आनी चाहिए ना कि मैं कोई करवा चौथ लुक कर रही हो, तो थोड़ा इस टाइप का वाइब। यार ये कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है, लाइक पिंक एंड पर्पल का। वैसे ये साड़ी एंड ब्लाउज मम्मी का ही है, तो चलो अभी वीडियो ना ऐसे बकबक करूंगी तो ज्यादा लंबी हो जाएगी। यही रीजन है, सिर्फ यही रीजन है कि मैं वॉयस ओवर करती हूँ बीच में। ओके, तो सबसे पहले आपको अपनी स्किन प्रेप कर लेनी है, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मैंने यहाँ पे सीटीएम कर लिया, लाइक मेरा जो भी स्किन केयर है वो मैंने कर लिया है, आप भी वो पहले कर लेना, इसके बाद आप मेकअप लुक स्टार्ट करना, तो आपका मेकअप भी काफी ज्यादा फ्लॉलेस होगा एंड लॉन्ग टाइम तक स्टे भी करेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं फेशियल ऑयल यूज करूंगी, ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाए मेरी स्किन और अच्छा सा एक ग्लो आ जाए फेस पे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे गुड वाइब्स का 24 कैरेट गोल्ड फेशियल ऑयल यूज कर रही हूँ। तो बस 2 ड्रॉप लेके मैं अच्छे से इसको अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूंगी। तो यहाँ पे मैंने पहले ही आपको बता दिया, टोनर, मॉइस्चराइजर, क्लींजर, जो भी है सीटीएम, वो मैंने पहले ही कर लिया है। तो बस मैंने इसको अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लिया। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब भी हम सीरम अप्लाई करते हैं या फिर कोई इस टाइप का ऑयल यूज करते हैं ना, तो हमारी स्किन थोड़ी सी रेड रेड लगने लगती है। तो ये ऐसा नहीं है कि सूट नहीं कर रहा है या फिर ऐसा कुछ नहीं होता, थोड़ा सा होता है, क्योंकि और आप फील करोगे ना कि आपके हाथ भी जो है वो थोड़े से वार्म हो जाते हैं। तो चलो यहाँ पे मैंने ये अच्छे से अप्लाई कर लिया है, एंड अभी मैं यूज करूंगी इसके बाद प्राइमर। ओके, सो प्राइमर के लिए मैं यहाँ पे इनसाइड कॉस्मेटिक का 3-in-1 प्राइमर यूज करने जा रही हूँ, जो कि ऑयली स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और मेरी स्किन तो आपको पता ही है कि ऑयली है। ओके, तो चलो फटाफट से प्राइमर अप्लाई कर लेती हूँ। यार मैं बहुत ही रैंडमली ये वीडियो शूट कर रही हूँ, सो डोंट माइंड, मुझे जो भी मेरे मन में माइंड में आएगा वो मैं पक पक करती जाऊंगी, तो आप सुन लेना, इग्नोर कर देना, ठीक है? कोई प्रोफेशनल वीडियो मैं शूट नहीं कर रही हूँ। लोगों के माइंड में ये भी चीज आ रही होगी कि इतने सारे मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं है तो हम क्या करें, आपके पास जो कुछ भी है बस अच्छे से आपको उसे अप्लाई करने आना चाहिए। कुछ लोगों को मैं नोटिस करती हूँ ना, फाउंडेशन मेकअप प्रोडक्ट्स उनके पास सारे होते हैं बट वो सही से उसको यूज नहीं कर पाते हैं। तो मेकअप में ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट्स इतना मैटर नहीं करता है। लाइक आपके पास थोड़ा जैसे अगर फाउंडेशन है तो आप उसको अच्छे से अप्लाई करोगे तभी आपका मेकअप अच्छा। अब आपने बस लिया ऐसे अप्लाई कर लिया तो हो गया मेकअप, फिर तो हो ही गया। तो अभी बारी है फाउंडेशन अप्लाई करने की। तो फाउंडेशन के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ ये मेबलिन का फाउंडेशन, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मेरे से ज्यादा ये फाउंडेशन अगर कोई यूज करता है ना तो झूठ नहीं बोलूंगी, मेरी मम्मी वो इसकी पूरी बॉटल बस खत्म ही करने वाली है, तो उनको भी ये फाउंडेशन काफी ज्यादा पसंद आया। तो बस मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फाउंडेशन लिया है, देख सकते हो बहुत ही थोड़ा सा, और इसको बिल्कुल इस तरीके से मैं छोटे छोटे डॉट्स में पूरे फेस पे अप्लाई कर लूंगी। वैसे टच वुड गाइस, मेरे नेल्स ना पहली बार इतनी लाइफ में पहली बार मेरा नेल्स इतना बड़ा हुआ है, अदरवाइज मैं आर्टिफिशियल नेल्स ही यूज करती थी या फिर कभी कभी मेरे नेल्स बढ़ते थे बट इतने बड़े नहीं हुए हैं, और फर्स्ट टाइम मैंने इसको इतना बड़ा कर लिया है, देखते हैं कि कितने टाइम तक ये टिकता है। ओके, तो जब भी आप फाउंडेशन अप्लाई करोगे तो आपको अपने नेक पे भी अप्लाई करना है। मैं अपनी हर वीडियोज में बोलती हूँ कि आपका फेस आपके नेक से ईयर से मैच करना चाहिए, नहीं तो फेस आप अच्छे से सजा दजा लो और अपने नेक को बिल्कुल ही अपनी स्किन से अलग कर दो तो फिर कैसा लगेगा यार। ओके, तो यहाँ पे मैं ये क्या कर रही हूँ ना, ये है मेरा ब्रश, ये है मेकअप फिक्सर, मैंने यहां से इसे स्प्रे कर दिया है, थोड़ा सा ये वेट हो गया। इससे आप अपना जब भी फाउंडेशन ब्लेंड करोगे तो बहुत ही इजिली ब्लेंड होगा एंड वो सेट भी हो जाएगा, क्योंकि हमने मेकअप फिक्सर इस पे, सेटिंग स्प्रे इस पे स्प्रे किया है। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है, आप देख सकते हो ये है मेरी नेचुरल स्किन है, नहीं है ये फाउंडेशन की, और अभी इसको मैं ब्लेंड भी करूंगी यार, डोंट वरी। बस पता है मुझे क्या लग रहा है, लग ये रहा है कि मेरी वीडियोस बहुत लंबी नहीं हो जाए, वरना तो आप देखोगे नहीं।
और वॉयस ओवर करती हूँ तो मैं फटफट से वीडियो खत्म कर देती हूँ, ऐसे बक बक करके पता नहीं कितनी लंबी हो जाएगी। तो गाइस यहाँ पे मेरा फाउंडेशन जो है वो अच्छे से ब्लेंड हो गया है, आप देख सकते हो। तो मैंने पूरा फाउंडेशन बहुत ही इजिली अच्छे से ब्लेंड कर लिया। तो अभी मैं कंसीलर अप्लाई करूंगी। तो कंसीलर के लिए मैं यहाँ पे ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा है और मुझे पर्सनली ये बहुत ज्यादा पसंद है। ओके, सो यहाँ पे मेरा कंसीलर भी अच्छे से ब्लेंड हो गया है। तो अभी हम करने वाले हैं आई मेकअप। ओके, तो अभी आई मेकअप कर लेते हैं फटाफट से। एंड आई मेकअप मैं अपने आउटफिट के ही अकॉर्डिंग करूंगी, बहुत बहुत ही नॉर्मल करने वाली हूँ। एंड उसके लिए मैं जो पैलेट यूज कर रही हूँ, आई शेडो पैलेट, वो है ब्यूटी ग्लेस्ड की, ये वाली पैलेट, जिसमें आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इस तरीके से पैलेट्स मिल जाते हैं। एंड ये देख सकते हो, ये वाली पैलेट मैं यूज कर रही हूँ। इसमें आपको पिंक पर्पल के सारे शेड्स मिल जाएंगे। तो देखो मैं बहुत ही क्विक आई मेकअप करने वाली हूँ, आप बस ध्यान से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। मैं ज्यादा डिटेल में आपको बताने नहीं वाली, वीडियो की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दूंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये वाला शेड लिया है। बिल्कुल ये वाला शेड यहाँ पे आप देख सकते हो, इस तरीके से देख सकते, लाइक दिस। यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा सा मैं आपको क्लोज करके दिखा दे रही। तो यहाँ पे मैंने पर्पल शेड से स्मच कर लिया है, बाकी मैंने आई शेडो अप्लाई कर लिया है। अब मैं अप्लाई करने वाली हूँ आईलाइनर। तो और ये मेकअप मैंने सो गाइस यहाँ पे मेरा आईलाइनर अप्लाई हो गया है, आप देख सकते हो। एंड आईलाइनर के लिए मैंने ये वाला आईलाइनर यूज किया था, मेबलिन का कोलेजल आईलाइनर, जो कि ऑल टाइम मेरा फेवरेट आईलाइनर है। और अभी मैं अप्लाई करूंगी मस्कारा। तो गाइस ये है मेरी ये वाली आईज जिसपे मैंने मस्कारा अप्लाई किया है और इस पे नहीं किया है, तो आपको कितना बिग डिफरेंस नजर आ रहा होगा। ये वाली आईज कितनी बिग लग रही है, काफी इनहेंस लग रही है, ये वाली नहीं लग रही। तो अभी मैं इस पे भी अप्लाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे अभी देख सकते हो आप मेरी दोनों आईज। एंड आपको तो अभी ये लुक मैं एडिट करके दूंगी प्रॉपर, 8-10 मिनट की ही वीडियो होगी, बट अभी कितनी लंबी हो रही है ये वीडियो मैं आपको क्या ही बताऊं। मुझे टेंशन हो रहा है कि मैं एडिट कैसे करूंगी यार, इतनी लंबी वीडियो होगी। ओके, तो यहाँ पे अभी हो गया। आईलैशेस की नीड नहीं लग रही है, बट मुझे लग रहा है लगा लूंगी ना तो मजा ही आ जाएगा, लुक में चार चार लग जाएंगे। तो चलो लगा लेते हैं आईलैशेस। तो मैं यूं आईलैशेस लगा लेती हूँ। आईलैशेस की ट्यूटोरियल ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, तो आप वो देख सकते हो। मैं यहाँ पे आपको आईलैश लगा के नहीं दिखाने वाली। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लैसेस अप्लाई कर ली हैं और अभी से ही आई मेकअप काफी ज्यादा प्रिटी लग रहा है। ओके, तो आईब्रोज फिल कर लेती हूँ, जो कि मैं भूल ही गई। आईब्रोज मैं हमेशा भूल जाती हूँ, लास्ट में मुझे उसे करना पड़ेगा। ओके, सो पूरे मेकअप को मैं सेट कर ले रही हूँ फेसेस कैनेडा के कॉम्पैक्ट से, बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट पाउडर है जो कि मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद है। यहाँ पे मैंने मेकअप सेट कर लिया है, इसके बाद मैं यहाँ पे शुगर का कॉन्टोर अप्लाई करने जा रही हूँ। तो आपको एक शार्प लुक मिल जाए इसके लिए कॉन्टोरिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो बस अभी मैं कॉन्टोरिंग कर ले रही हूँ। परफेक्ट हो गया ना नोज कॉन्टोर, बस चुटकियों में। ओके, तो अभी बारी है ब्लश की। ब्लश प्लस प्लस इससे एक पैकी का ब्लश पिंक शेड में है, मैं इसी को अप्लाई करूंगी और इस तरीके से डैब डैब करके अप्लाई करना है। एक दो बारी आप डैब डैब करके अप्लाई करो, देन आप इसको इस तरीके से ब्लेंड कर लो। हाइलाइटर, तो हाइलाइटर के लिए भी मैं शुगर का ही हाइलाइटर अप्लाई करने जा रही हूँ। आप चाहो तो लिक्विड हाइलाइटर या फिर इल्यूमिनेटर कुछ भी अप्लाई कर सकते हो। ये रहा मेरा हाइलाइटर ब्लश, इस तरीके से मैंने हाइलाइटर लिया और ये। अब करवा चौथ का मेकअप है तो ग्लो तो भर भर के रहना ही चाहिए आपके फेस पे। आई नो फास्ट रहने की वजह से फेस काफी डल लगता है, तो आपको ये झूठा वाला ग्लो, आई मीन हाइलाइटर से आपको ग्लो लाना ही पड़ेगा। यहाँ पे मेरा मेकअप हो गया है और मेकअप को अब स्टे करने के लिए आपको इसे फिक्स करना बहुत जरूरी है। तो मैं यहाँ के मार्क्स के सेटिंग स्प्रे से पूरा मेकअप सेट कर ले रही, थोड़ा सा डिस्टेंस से आपको इसे स्प्रे करना है। ओके,
सो गाइज, ये है मेरा फाइनल लुक एंड इसको मैंने दो तरीके से क्रिएट किया है. आई मीन मेकअप तो एक ही है, बट मैंने यहाँ पे दो ज्वेलरीज वेयर करके आपको दिखा दिया है. आपकी जो भी मर्जी, आप उस तरीके से रेडी हो सकते हो. जैसे भी आपको रेडी होना है, वो सब कुछ आपको ही डिसाइड करना होगा. तो चलो, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियोज़ बनाने में. चलो, अच्छा, बाय बाय, आई लव यू.